Now we talk of the second form in this lecture and form का मतलब किस टाइप के क्वेश्चन अब हम लोग डील करेंगे. क्वेश्चन ऑफ द फॉर्म जिसमें न्यूमरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, या न्यूमरेटर में लीनियर है, डिनोमिनेटर में रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, या न्यूमरेटर में लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये लिखे 2x-3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x+5 इस टाइप के क्वेश्चन, दिस इज ऑफ दिस फॉर्म. और वी हैव समथिंग ऑफ दिस फॉर्म एक्स अपॉन 4x-x2, दिस इज लीनियर, दिस इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इस टाइप का हो गया. और वी हैव लेट्स से 2x+3 टाइम्स अंडर रूट x2-4, दिस इज लीनियर, दिस इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इस टाइप के क्वेश्चन हो. तो इन जैसे क्वेश्चन को एक सेट पैटर्न है, एक सेट मेथड है, वील फॉलो दैट मेथड. तो अब कैसे भी क्वेश्चन आ जाए अगर ये फॉर्म के हैं तो वील हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस, उसमें फिर हमें कुछ चेंज नहीं करना. वील फॉलो द सेम रूल अगेन एंड अगेन, बस हमें ये फॉर्म्स दिखेंगे. तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, इन तीनों फॉर्म्स में हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे. तो स्टेप वन इज जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एल इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पार्ट प्लस एन, वेयर एल एन एम आर, एल एन एम आर कॉन्स्टेंट्स, ये हमारे लिए कॉन्स्टेंट्स है, इनकी वैल्यूज हमें अभी निकालनी है. तो फाइंड एल एन एम बाय कोफिशिएंट कंपेयरिंग, मतलब दोनों साइड कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके एल एन एम की हम वैल्यूज निकाल लेंगे. तो थर्ड पार्ट इज रिप्लेस एल, दैट इज द लीनियर पार्ट, जो हमने लीनियर पार्ट को किस फॉर्म में लिख लिया है, एल टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस एन, इस फॉर्म में लिखना है. ये वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहां भी हमने लीनियर इक्वेशन देखा वहां पर हम क्या वैल्यूज अब लिखना शुरू कर देंगे, ये वैल्यू लिखना शुरू कर देंगे. स्टेप फोर, ब्रेक, जो हमने लीनियर पार्ट लिखा है उसको ब्रेक कर देंगे, एल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक पार्ट, और एल वील सेपरेट दिस इनटू टू पार्ट्स, और दोनों पार्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे इंडिविजुअली. तो जो पहला पार्ट है उसमें हमेशा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन लगेगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखें तो अगर हमारे पास नीचे क्वाड्रेटिक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो व्हाट विल हैपन इज लीनियर की जगह हम क्या लिखेंगे, एल टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू अपॉन क्यू एंड प्लस एम अपॉन क्वाड्रेटिक, हमने सेपरेट कर लिया. तो इस वाले पोर्शन में ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ द क्यू, तो मतलब जो नीचे है अगर उसको हम टी लें तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो यहां हमेशा क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन लगेगा. और यहां एल टू कॉन्स्टेंट है, दैट कैन बी टेकन आउट. इसी तरह यहां पे क्या होगा, दिस इज वन अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज वन, मेक परफेक्ट स्क्वायर एंड यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला. तो सेकंड पार्ट किससे सॉल्व होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई करके होगा. उसी तरीके से अगर हम यू टेक दिस पार्ट लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, व्हाट विल हैपन इज लीनियर को हम क्या लिखेंगे, एल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू प्लस एम अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक अलग कर देंगे एंड रूट क्वाड्रेटिक यहां कर देंगे. और दिस इज व्हाट फॉर्म, दिस इज वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्म विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. इसमें तो पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाकर. और यहां क्या होगा, अगर हम रूट क्वाड्रेटिक रादर क्वाड्रेटिक को टी लेना है तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में, दिस विल बी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन. एंड सिमिलरली विल बी द केस जब हमारा ये वाला फॉर्म होगा लीनियर, लीनियर की जगह हम क्या लिखेंगे, एल टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू प्लस एम इंटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक. When we break this to क्या होगा, एल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू इंटू रूट क्वाड्रेटिक प्लस एल इंटू रूट क्वाड्रेटिक. अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, इंटीग्रल ऑफ क्वाड्रेटिक. एंड ये तो हम पढ़ चुके हैं कैसे डील करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन करते हैं, एंड देन वी इंटीग्रेट यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला. और यहां पे क्या होगा, अगर क्यू को टी ले लें तो उसका डिफरेंशियल मौजूद है, तो यहां हमेशा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन से होगा. दैट इज व्हाट वी हैव रिटन एज कि जिसमें डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू है वो वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, और जो दूसरा पार्ट बचेगा दैट विल बी सॉल्व्ड बाय मेकिंग इट परफेक्ट स्क्वायर एंड यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला. एंड लेट्स टेक एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल
Let's say we have 2x plus 5 whole divided by root of 4x square plus 8x plus 9. So as soon as you look at this question, top form, dekho, this is linear and this is quadratic. तो कौन सा फॉर्म है ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक. तो इसमें हम लोग का स्टेप्स क्या होता था. स्टेप वन वॉज पुट द लीनियर पार्ट इक्वल्स टू एल टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पार्ट विच इज 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 प्लस एन. तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एल टाइम्स दिस बिकम्स 8x प्लस 8 प्लस एन. तो 8lx plus 8l plus n gives you 2x plus 5. तो coefficient comparing से l और n निकालेंगे तो x का coefficient क्या है right side पे 8l और left side पे क्या है 2. तो n क्या आ गया 1 by 4. Similarly जो constant part है 8l plus n is equal to constant part left पे क्या है 5 है. But l we have already found out 1 by 4 plus n is equal to 5. n कितना आ गया. तो हाउ कैन वी राइट अगर लीनियर पार्ट नाउ 2x प्लस 5 कैन बी रिटन एज एल इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द क्वाड्रेटिक. बट व्हाट इज एल. एल तो हमारा आ चुका है 1 बाय 4. आई कैन राइट दिस एज 1 बाय 4 इंटू 8x प्लस 8 प्लस 3. अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप कि जहां लीनियर पार्ट है विल प्लेस 2x प्लस 5 की जगह आई पुट दिस वैल्यू 1 बाय 4 8x प्लस 8 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9. नेक्स्ट स्टेप वी ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स. इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 4 आउट 8x प्लस 8 इंटीग्रल ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 dx अलग कर लिया एंड थ्राइस बाहर dx अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज द सेकंड इंटीग्रल. नाउ इफ यू लुक क्लोजली अगर हम इसको 30 ले ले तो उसका डिफरेंशियल ऊपर है. तो दिस इज अ केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो व्हाट वी डू इज पुट 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 एज लेट्स से t स्क्वायर. रेडिकल्स भी खत्म हो जाएंगे 2t dt / dx एंड डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा 8x प्लस 8. तो dx * 8x प्लस 8 कैन बी रिटन एज 2t dt. तो व्हाट वी डू इज 1 / 4 8x प्लस 8 इंटू dx की वैल्यू क्या हो गई 2t dt एंड 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 को t स्क्वायर यूज किया था तो इट बिकम्स t. t से t कैंसिल 2 से 2 कैंसिल एंड आई एम लेफ्ट विद 1 बाय 2 1 dt और 1 dt का तो t होगा. एंड व्हाट वाज t. t वाज अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9. ये तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. नाउ दिस इज एनालॉगस टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक. तो व्हाट डू वी डू इन सच केसेस. पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं. व्हाट विल डू इज थ्राइस dx 4 कॉमन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बाय 4 स्क्वायर रूट 4 कम्स आउट. तो ये हो गया 2 dx एंड वी मेक परफेक्ट स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा x square plus 2 into 1 into x plus 1 minus 1 and plus 9 by 4. So 3 by 2 times dx whole divided by ये तो perfect square बन गया. This portion x plus 1 whole square and this becomes minus 4 5 by 4 which can be written as root 5 by 2 whole square. Now बस आइडेंटिफाई करें कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है. दिस इज एनालॉगस टू dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 3 बाय 2 ln x. x की जगह x प्लस 1 है और इसका इंटीग्रल इसके डिफरेंशियल से हमें डिवाइड भी नहीं करना बिकॉज हमने कोफिशिएंट ऑफ x 1 बना लिया. दिस इज x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस रूट 5 बाय 2 होल स्क्वायर. And already first part हम solve कर ही चुके हैं 1 by 2 4x square plus 8x plus 9 plus and this is plus c. This is your answer to this question. Now let's take the next question. And this time let's say we have x
रूट ऑफ 4 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर dx। तो ऑब्वियसली फिर से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज द लीनियर एक्सप्रेशन एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो विच फॉर्म लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक dx। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन पुट द लीनियर पार्ट x इज इक्वल टू l इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पार्ट, एंड व्हाट इज क्वाड्रेटिक पार्ट, 4 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस m, x इज इक्वल टू एल टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक पार्ट क्या है, 2 माइनस 2x प्लस m, तो 2l माइनस 2lx प्लस m इक्वल्स टू x, तो व्हाट वी डू वी गेट, कोफिशिएंट कंपेयर करें तो माइनस 2l इक्वल्स टू 1, x का कोफिशिएंट 1 है लेफ्ट साइड पे, तो l कितना आ गया माइनस हाफ, एंड 2l प्लस m इज 0 बिकॉज कॉन्स्टेंट पार्ट है ही नहीं यहाँ पे, यू कैन राइट 0, तो एल वी ऑलरेडी नो इज माइनस हाफ, तो 2 इंटू माइनस हाफ प्लस एम इज 0, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, एम कम्स आउट टू बी 1। तो नाउ हाउ कैन वी राइट अवर लीनियर पार्ट, x इज इक्वल टू माइनस हाफ डिफरेंशिएशन वाज 2 माइनस 2x प्लस 1। अब हम जहां भी हमारा लीनियर पार्ट है क्वेश्चन में वहां हम ये एक्सप्रेशन पुट कर देंगे, तो दिस गिव्स अस माइनस हाफ 2 माइनस 2x प्लस 1 इंटू रूट ऑफ 4 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर dx। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग कर देंगे, तो माइनस ऑफ हाफ इंटीग्रल 2 माइनस 2x इंटू दिस पोर्शन, दिस इज 4 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर dx, एंड प्लस इंटीग्रल 4 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर dx। नाउ जैसे हमने पहले कहा, ये पार्ट हमेशा फर्स्ट पार्ट किससे होगा, सब्स्टिट्यूशन से होगा, बाय, क्योंकि हमेशा उसका सब डिफरेंशियल मौजूद है यहाँ पे, तो व्हाट वी डू इज 4 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर पे लेट से t स्क्वायर लिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर आ जाएगा, dt by dx gives us this is 2 minus 2x, तो 2 minus 2x into dx is 2t dt, तो व्हाट वी डू इज वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, तो क्या आएगा माइनस ऑफ हाफ 2 माइनस 2x इंटू डी एक्स गिव्स यू 2t dt, एंड यहां हमने t स्क्वायर पुट किया तो t आएगा, तो दिस गिव्स यू 2 से 2 इज कैंसिल्ड माइनस t स्क्वायर बाय t स्क्वायर dt, एंड दिस कैन बी इंटीग्रेटेड एज t क्यूब बाय 3। नाउ t हमने क्या माना था, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर, ठीक है आ जाएगा 3 बाई 2 अपॉन 3। तो फर्स्ट पार्ट इज डन, एंड सेकेंड पार्ट हमारा हमेशा क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से होगा, तो दिस इज एनालॉगस टू दिस फॉर्म रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, अर्थ एक्स स्क्वायर बनाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी वन है, तो वी राइट दिस एज माइनस 2x प्लस 4, एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4, एंड दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये पार्ट, एंड प्लस का 3 एंड बाहर है नेगेटिव, तो दिस कैन बी रिटन एज ठीक है, दिस बिकम्स माइनस 3 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर, देर इज अ स्लाइट मिस्टेक इन दिस, यहां पे क्या हो जाएगा, दिस वुड बी माइनस, तो यहां पे साइन ऑब्वियसली चेंज होगा, दिस इज माइनस एंड दिस वुड बी माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5, विल यूज अ प्रॉपर, तो क्या आ जाएगा माइनस, तो दिस बिकम्स 5 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो दिस इंटीग्रल नाउ बिकम्स 5 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर dx, एंड दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx,
x की जगह x माइनस वन है, लीनियर पार्ट है, जिसका कोफिशियंट x का क्या है, 1 है, तो डिफरेंशिएशन हमें करने की जरूरत नहीं। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x इंटू रूट ऑफ 5 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2। नाउ व्हाट इज a स्क्वायर, 5 बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, वेयर x इज x माइनस 1 अपॉन a क्या है, रूट 5 है, बिकॉज आई कैन राइट दिस एज रूट 5 का होल स्क्वायर। Now, combining the two parts, what would be my answer? So, minus 4 plus 2x minus x square raised to power 3 by 2, whole divided by 3, and this would be plus of x minus 1 into root of 5 minus x minus 1 whole square by 2 plus 5 by 2 times sine inverse x minus 1 upon root 5 plus c. So, this is how we'll do this one. Now let's take another question of this type. Let's say we have 3x plus 5 upon x square minus 4x plus 9 dx. Now बस हमें तो form realize करना है कौन सा है, तो numerator is linear, denominator is quadratic, जो फिर ये हमारा ही form है जो हम पढ़ रहे हैं। तो what is the first step? Put the linear part equals to L times differentiation of the quadratic part and plus N. So L into this gives you 2x minus 4 plus N. So 2LX minus 4L plus N is analogous to 3X plus 5. So coefficient compare karein, to 3 equals to 2L. X ka coefficient compare kiya 3 by 2 and minus of 4L plus N is 5. But L we have already found out. So minus 4 into 3 by 2 plus N, it gives you 5. Minus 6, therefore N comes out to be 11. Now linear part, how can we write this linear part? L is 3 by 2 times differentiation of the quadratic part, which is 2x minus 4 plus 11. Ab jahan bhi linear part hai, we'll put this value. So theek hai apne question mein, 3 by 2 times 2x minus 4 प्लस 11 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 dx। तो वी ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स एज यूजुअल। तो 3 बाय 2 बाहर, 2x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 dx प्लस 11 बाहर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, द फर्स्ट पार्ट विल ऑलवेज बी डेल्ट विद बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में हमेशा क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो वी पुट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 एस टी, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट डू वी गेट, 2x माइनस 4, देयरफॉर dx इनटू 2x माइनस 4 इज सिंपली dt। तो यहां क्या हो जाएगा, 3 बाय 2 2x माइनस 4 इनटू dx क्या हो गया, dt अपॉन t, एंड दिस कैन बी सिंपली रिटन एज ln t, और ln t कैन बी रिटन एज ln t को हमने क्या माना है, x square minus 4x plus 9। तो फर्स्ट पार्ट तो ये क्लियर हो गया। नाउ दिस इज एनालॉगस टू dx अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इसको तो हमें कोफिशियंट ऑफ x square 1 करना है एंड परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कोफिशियंट ऑफ x square तो 1 है। व्हाट वी डू इज माइनस 2.2x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 9। तो व्हाट विल वी डू इज प्लस 11 dx x minus 2 whole square plus 5, and 5 can be written as root 5 whole square. Now we call the standard form a dx upon x square plus a square. This is linear part, makes no difference to us. X ki jagah bas hum x minus 2 rakhenge aur coefficient of x 1 hai, to differentiation karke divide karne ki zarurat nahi. To iska integral kya hota hai, 1 upon a tan inverse x by a plus c. So what will we write, plus 11 1 upon a, but what is a, root 5 tan inverse x, x kya hai, x minus 2 upon a plus c. So this is how we solve such questions. Agar hum ek bar form pehchan le, to then the process has to follow. Process ko hame follow karna hai, har bar hum usko solve kar le jayenge.